अब इसको कम कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। कहीं ना कहीं इसका पाइप फटा होगा या जो, तो इसको रेस दे के अभी इसको कम करते हैं, उसके बाद इरिगेशन करेंगे। तो वीडियो बनाए रहे शुरू से अंत तक, आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी कंप्लीट हो गया, अब उसका चला के चेक करेंगे, इसमें फॉल्ट नहीं है। और जिन्हें भाई की गाड़ी है उनसे बात कराते हैं, आपको वेट करिए। तो ये रहे हमारे भाई। तो कैसा लगा आपको काम? बहुत बढ़िया लगा। और कुछ बोलना? गाड़ी में पिकअप की कमी थी। हाँ, और इसमें बहुत सारे टाइम लगे हैं। और बहुत बढ़िया काम हुआ जी, सक्सेसफुल हुआ जी, इससे हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट है आप काम से? संतुष्ट है। तो हमने लगभग गैरेज से 40 किलोमीटर दूर आए और काम किया इसको, तो आज एक बार चला। दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी आ रखा है बोलेरो पावर प्लस। आज इस गाड़ी में दिक्कत है, पूरिया का लाइट जल रहा है और इस गाड़ी 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा रहा है। इसको डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे इसमें फोल क्या आ रहा है और इसमें क्या दिक्कत है, सूट मार्क कितना बढ़ गया हुआ है। वीडियो बने रहे शुरू से अंत तक, आपको दिखाते हैं इसमें क्या फोल करते हैं। ये पहले चाबी ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो ये रहा चाबी ऑन कर दिए और स्टार्ट होने पे लाइट बंद होना चाहिए, बंद नहीं हो रहा है। और आप उसके बाद डायग्नोस करते हैं। देखिए चाबी ऑन करके दिखाते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा दम बिलिंग। तो हमने 70 प्रो लगा लिया, डायग्नोस करते हैं। महिंद्रा स्कैन BS6 देख पा रहे हैं, DPS शॉट सब शूट मार सेंसर तीनों कोड आ रहा है, देख पा रहे हैं आपको हो गया। अब उसके बाद भाई करते हैं शूट मास सेंसर दिखाते हैं, स्पेशल फंक्शन तो देख पा रहे 100 है। तो अब इसको कम कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। कहीं ना कहीं इसका पाइप फटा होगा या जो, तो इसको रेस दे के अभी इसको कम करते हैं, उसके बाद इरिगेशन करेंगे। तो वीडियो बनाए रहे शुरू से अंत तक, आपको दिखाते हैं। तो हमने इसको बहुत चेक किया, चेक करने के बाद इसमें फॉल्ट कोड मिला, सब पाइप चेक किए थे, इधर वाला पूरा, इधर वाला सब। तो लास्ट में यहाँ का पाइप फूटा हुआ निकला, जो अभी भेजे हैं लेने के लिए, आपको दिखाते हैं। हल्का सा क्रेक है और उसके बाद आपको करके दिखाते हैं। हमने लगभग बहुत सारे मेहनत किए इसमें, लगातार मेहनत कर रहे हैं इसमें, लगभग 3 से 4 घंटा हो गया लगभग इसको गाड़ी को काम करते हुए हमको। और इसमें होस पाइप कटा हुआ था तो होस पाइप नहीं मिला, इसके लिए मैंने उसको जुगाड़ किया था। तो आपको दिखा पाते हैं जुगाड़ फेविकुल से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फूटा हुआ था, तो हमने इसका फेविकुल से चिपकाया बढ़िया से। और फेविकुल से चिपकाने के बाद इसको चेक करेंगे रिग्रेशन, ठीक है कम हो रहा है कि नहीं। और गाड़ी रेस धोके रख रहे हैं पूरा इसको क्रेम, और चला के भी चेक किए पूरा, तो दिखाते हैं आपको कम कर रहे हैं। तो काफ़ी हमको लगभग 2 से 3 घंटा लग गया। तो देख पा रहे शूट मार कितना 77 कर दिए हैं, प्रोसेसर चालू है मेरा करने का, RPM रेस दे के और गाड़ी चलाया हूँ तो 77 हो गया है। अभी और कम करना है, उसके बाद इरिगेशन करना होगा। हमने इसका 27 कर दिए देख पा रहे, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो उरिया इरिगेशन चालू हो गया देख पा रहे, मेरा इरिगेशन चालू हो गया कंफर्म। और आधा घंटा लगभग मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरा उड़ी इतना चालू कंफर्म हो गया, तो मेरा काम चालू हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आपको हम दिखा देंगे, ठीक है करके आपको। तो मेरा काम चालू हो गया हुआ हो रहा है और 20 मिनट के बाद फिर मिलते। तो हमारा देख पा रहे रिएक्शन चालू हो चुका है और गाड़ी रेस में है, क्योंकि पाइप फटा हुआ था, पाइप नहीं मिला इसके लिए जुगाड़ किए इसको, और इरिगेशन चालू है अभी तक 20 मिनट तक अभी चालू है, 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे देख पा रहे इरिगेशन अभी भी चालू है, क्योंकि 15 मिनट हो चुका है, ताकि 100 था अभी भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे मीटर में भी दिखा रहा होगा आपको, बिलिंग आ रहा होगा पूरा इरिगेशन। तो 20 मिनट प्लस हो चुका है, अभी भी उरिया इरिगेशन चालू है। तो इसको देखते हैं कब तक ही होगा, जब तक होगा कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको,
जब तक होगा जब तक देखते रहेंगे इसको, कब ले ही छोड़ेगा भैया। कब तक यूरिया रिडक्शन चालू होगा? आधा घंटा प्लस हो चुका है, देख पा रहे अभी तक हो रहा है। साला जितना बड़ा था 100 उतना ही देर लगा रहा है। आज मैं दुकान से लगभग 40 किलोमीटर आया हूँ इधर, बहुत अब शाम होने वाला है। आधा घंटा प्लस हो गया, अभी ले यूरिया रिडक्शन चालू है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक चालू है। आपको करीब से दिखा देते, देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं सफल का फल मीठा हुआ और कामयाब हो पाया। DPS सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया इसका पूरा। और यहाँ पे लाइट भी जल रहा था, लगभग देखा है 40 से 45 मिनट लगा इसको पूरा कंप्लीट होने में। क्यू शूट मात बहुत बढ़ गया था 100, इतना किसी का नहीं बढ़ता है लास्ट, तो कंप्लीट हो गया। अब उसका चेक लाइट बच गया, तो गाड़ी को बंद करेंगे, इसका फोल्ड फोल्ड क्लियर करेंगे। और उसके बाद तो इसको क्या करना है, पढ़ देना है ओके। तो चाबी को ऑफ करते हैं, ऑन करके स्टार्ट कर दे, तो देख पा रहे गाड़ी हो गया फाइनल, देखिए क्लियर हो गया। तो हम लोग फाइनल हो गया, गाड़ी ट्राई कर रहे हैं। ये हमारे मिस्त्री हुए जो इनका गैरेज ढाका में हुए, और किन्नी भाई को ढाका में जो जो दिन से सफर करे, और ये भाई रहे जो गाड़ी को नहीं कर रहे हैं। अभी लगभग 80-90 गाड़ी चल रहा है हम लोग रोड पे, और साथ में